नमस्कार, मैं एक यादव स्वागत करता हूं आपका मेरे YouTube चैनल में। तो जैसा कि जानते हैं, इस समय डर का माहौल है, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस है। इवन मेरे पास भी बहुत ज़्यादा कल स्ट्रेस था और मैंने बहुत सारी नंबर ऑफ़ कॉल्स को रिसीव ही नहीं किया कल। ठीक है, तो जाहिर सी बात है, स्ट्रेस का तो माहौल है। इवन जो डॉक्टर्स हैं इस साल जो नीट PG पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, लेकिन वो कुछ नंबरों से रह गए हैं या फिर अभी रिवाइज कट ऑफ का वेट कर रहे हैं। जैसा कि मैंने कल अपने वीडियो में कहा था कि रिवाइज कट ऑफ कल आनी ही आनी है। देखिए, मैंने भी कुछ रीज़न से ही कहा था कि कट ऑफ आनी है। ठीक है, अब मैं र्यूमर तो नहीं फैला रहा हूँ कि 100% आ गई या आ जाएगी। मैं सिर्फ ये कह रहा था कि कल आनी ही आनी। क्यों? ऑन द बेसिस ऑफ लास्ट 2 ईयर्स मैंने भी वो प्रिडिक्शन करी थी, कुछ अपने सीनियर से बात करी, कुछ चीज़ों से कलीग से बात करी, उसी बेसिस पे मैंने ये आपको कहा था कि कल कट ऑफ आ जाएगी। ठीक है, पर मेन चीज़ क्या था कि अब तक कट ऑफ आई नहीं है, उसके बारे में हम बात करते हैं। ठीक है, देखिए, स्ट्रेस का तो माहौल है, सब कोई चाहता है। बहुत सारे डॉक्टर्स तो ऐसे भी होंगे जो अपना साल बर्बाद नहीं करना चाहते हैं, तो उन्होंने नेक्स्ट ईयर का नीट का फॉर्म भरा ही नहीं है, तो उनके तो नेक्स्ट ईयर के चांसेस भी ख़त्म है ऑलमोस्ट। वो क्योंकि चाहते हैं कि इसी साल सीट लेना। तो मैं कहूँगा, घबराइए मत, डरिए मत, कुछ नहीं होगा, रिवाइज कट ऑफ आएगी। स्टिल आई एम सेइंग कट ऑफ आएगी। ठीक है, अब आप पूछें, आप बोलेंगे कि ये तो मैं हर वीडियो में बोल रहा हूँ या फिर क्या ये इनका कोई रीज़न नहीं है। देखिए, मैं पर्टिकुलर रीजंस के साथ ही बोलता हूँ, कुछ भी बोलता हूँ। तो आज जो रीज़न है आपका कि रिवाइज कट ऑफ आएगी, कैसे आएगी, क्या चीज़ें हैं, तो बता दूँ मैं आपको। मेरे पास 2 से 3 पर्टिकुलर रीजंस हैं जिसमें बेसिस पे मैं आपको कह रहा हूँ कि रिवाइज कट ऑफ आएगी। और पहला रीज़न ये है कि मैं आपको बता दूं कि जैसा कि MCC ने अपनी ऑफिशियली जो नोटिस निकाली थी, उसमें उन्होंने मेंशन किया था कि जो मॉपअप राउंड का जो शेड्यूल उन्होंने पब्लिश किया था, वो था 2nd of March से लेके 7 मार्च तक। जी हाँ, 2nd of March से लेके 7 मार्च। तो जो मैं वीडियो बना रहा हूँ, आज 2nd of March ही है आपकी, आज से मॉपअप के रजिस्ट्रेशन शुरू हैं। तो डर तो जाहिर सी बात है, डर और खौफ तो बना ही है इस समय। प्रेशर आपके और ज़्यादा सर पे बना होगा कि आज 2nd मार्च हो गया, मॉपअप की डेट रजिस्ट्रेशन शुरू हो गए हैं, क्यों क्या रिवाइज कट ऑफ इस साल नहीं आएगी। तो मैं आपको बता दूँ सर, डेफिनेटली ही रिवाइज कट ऑफ आएगी। क्यों? पहला रीज़न ये कि लास्ट 2 साल्स के, अगर 2 साल से आप देखते हैं, 2019 एंड 2020, तो उसका सिनेरियो 2021 से कुछ डिफरेंट नहीं था। सेम कंडीशन थी 2019 में भी और 2020 में भी। 2019 में आपके अप्रॉक्स 4000 समथिंग सीट्स खाली थी मॉपअप से तक, ठीक, मॉपअप से पहले, सॉरी, 2nd राउंड के बाद। ठीक है, उस टाइम भी आपको कट ऑफ डाउन करी गई थी, रिवाइज कट ऑफ आई थी। और 2020 का भी सिनेरियो सेम था, उस टाइम भी आपकी अप्रॉक्स 5000 सीटें खाली थी, तो भी कट ऑफ डाउन हुई थी। ठीक है, और 2021 का भी सिनेरियो सेम है, उसी तरह ही चीज़ें हैं। इस साल तो लगभग आपकी, जब से NBE भी जुड़ गया है, DNB भी है, सारी चीज़ें देख, अगर लगभग देखा जाए तो अप्रॉक्स 6000 सीटें खाली दिख रही हैं अब तो हमको, 6000 समथिंग सीटें खाली पड़ी हुई हैं। ठीक है, ये हो गया आपका पहला रीज़न। दूसरा रीज़न ये है कि जो मैनेजमेंट सीट और NRI के लिए डॉक्यूमेंट्स अप्लाई होते हैं, या आपको NRI में कन्वर्ट होना है, चाहे NRI के डॉक्यूमेंट दिए जाते हैं वेरिफिकेशन के लिए DGHS में, तो वहाँ से भी अभी तक कोई ऑफिशियल नोटिफिकेशन या फिर ऐसा कुछ आया नहीं है। ठीक है ना, तो उसका भी सबको बेसब्री से इंतज़ार है। क्यों? सबसे ये 2 रीज़न्स मेन मोटिव रीज़न्स होते हैं जो बताते हैं कि कट ऑफ डाउन होगी। ठीक है, और वेट अप करना है कि कब आ जाती है, या तो आज या तो कल, तो परसों, कभी भी आ सकती है आपकी रिवाइज कट ऑफ। अब रिवाइज कट ऑफ आएगी तो क्या हमको 7 तारीख तक की ही डेट मिलेगी रजिस्ट्रेशन के लिए? तो मैं आपको कह दूं, 1-2 दिन आगे एक्सटेंड होगा ये। ठीक है, और बहुत सारे लोगों ने मुझसे ये पूछा कि सर आप तो श्योर थे ये चीज़ें, कि सर मैं श्योर था, मैं श्योर अभी भी हूँ कि कट ऑफ गिरेगी ही गिरेगी। बहुत सारे लोगों ने मुझे ब्लेम किया, र्यूमर फैला रहा हूँ, बहुत सारी चीज़ों मुझे आए, बहुत कॉल्स आए, लगभग काफ़ी कॉल्स आ गए मुझे कल, ऑलमोस्ट मैंने कॉल्स रिसीव भी नहीं किया, प्रेशर बहुत ज़्यादा था मेरे सर पर। ठीक है, तो मैं आपको बता दूँ कि मैं भी कुछ अपने एक्सपीरियंस पे कुछ चीज़ें कैलकुलेशन करके ही मैं आपको बताता हूँ वो चीज़ें। ठीक है, ऐसा नहीं है कि मैं अपने मन मुताबिक कुछ भी आपको बता रहा हूँ, कुछ भी बोल रहा हूँ, ऐसा कुछ नहीं है।
जो भी मैं बताता हूँ उस पर मैं ज़रूर होमवर्क करता हूँ, उसके बाद ही मैं आपको उसके सामने प्रेजेंट करता हूँ आपके सामने। और मैं कहूँगा बिल्कुल टेंशन ना लें, प्रेशर ना लें। हाँ थोड़ा बहुत तो जेन्युइन सी बात है, इंसान है तो टेंशन होती है, पर मैं कहूँगा आउट ऑफ द बॉक्स मत जाएं, सिंपल रहें। कट ऑफ गिरेगी उसका वेट करिए, उसके बाद आप खुद ही मुझे कॉल करेंगे। जी हाँ, मैं खुद ही को आप मुझे कॉल करेंगे ए के यादव को, काउंसलिंग से रिलेटेड प्रॉब्लम्स अगर आपको एडमिशन देख रहे हैं उसके बाद, अगर कट ऑफ डाउन आ जा रही है उसके बाद, अगर आप एडमिशन्स के लिए देख रहे हैं मैनेजमेंट सीट्स या एनआरआई सीट्स के लिए, तो होपफुली आप मुझे कॉल करें। मैं और मेरी टीम आपकी पूरी हेल्प करेंगे एडमिशन लेने में, आपको एक बढ़िया पाथ प्रोवाइड करेंगे एडमिशन के लिए। जो भी आपके ड्रीम ब्रांचेस हैं, जो भी ऑप्शंस मेरे पास अवेलेबल रहेंगे, उस तरह से मैं आपको ऑप्शन प्रोवाइड करूँगा। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही, अगली वीडियो में मैं आपसे मुलाकात करूँगा कुछ नए चीज़ों और नए बातों के साथ। होपफुली मैं चाहूँगा कि रिवाइज कट ऑफ जल्द ही आ जाए, कल आ जाए, आज आ जाए, ताकि मैं आपसे नई वीडियो और नए चीज़ के साथ मैं बात कर सकूँ और मेरी बात आपके सामने सही से साबित हो सके। इसी के साथ मैं अलविदा लूँगा आपसे, नई वीडियो में बात होगी आपसे।